हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बना रहे हैं एक पिस्ता सेल्स से लेडी बना रहे हैं। तो पहले मैं उस डॉल को पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, उसको मैं ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर देख के हाईलाइट कर रही हूँ। और हाईलाइट हो जाने के बाद एक ब्लैक एक्रेलिक कलर से पूरा उसको फिल कर देंगे। पूरा ब्लैक कलर हमें उसमें भर लेना है। आप कोई भी कलर ले सकते हो गाइस, जो भी आपका पसंद हो, आपके पसंद के अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर लेकर लेडी में रख कर सकते हो। एक्रेलिक कलर है इसलिए इसको ड्राई होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और कलर ड्राई होने जाने के बाद हम पिस्ता सेल लेंगे, जिसको मैं ग्लू गन से चिपका रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविबॉन्ड या फेविकॉल से भी कर सकते हैं। फेविकॉल से हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि फेविबॉन्ड या ऐसा कुछ लिक्विड लेके आप इसे चिपकाएं, ताकि वो क्विकली ड्राई होकर चिपक जाए। तो अभी हम पिस्ता सेल से इस डॉल का फ्रॉक तैयार कर रहे हैं। फ्लावर की शेप में उसका पूरा फ्रॉक रेडी होगा। एक एक पिस्ता सेल लेके हमको उसको डेकोरेट करना है एज अ फ्लावर के शेप में। मैंने डॉल के पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल वाइट ही रखा है। बैकग्राउंड बनाना हम आगे के कोई एपिसोड में देखेंगे। मैं आपको डिफरेंट तरीके से बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं वो भी सिखाऊंगी। हम इसे पिस्ता सेल से डेकोरेट कर रहे हैं। आप अपने कोई भी आइडिया लेकर उसका फ्रॉक बना सकते हैं। मैंने एक और पेंटिंग भी बनाई है, जिसमें कपड़े से मैंने उसका फ्रॉक स्टिच किया है, मतलब चिपकाया है ग्लू गन से। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में वो भी दिखाऊंगी। अपने कोई भी क्रिएटिव आइडिया से आप लेडी को डेकोरेट कर सकते हैं और आपका नया पेंटिंग बन के तैयार हो सकता है। देखिए, ये पूरा फ्रॉक बन के रेडी है और उसको सूखने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, क्योंकि मैंने ग्लू गन से चिपकाया है। अब मैं रेड कलर का एक्रेलिक कलर लेकर उसको पेंट कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको ऐसे ही वुडन कलर के जैसे है वैसे रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। सिंपल इसको वॉर्निश करके शाइनिंग देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसको सिंपल एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ रेड फ्लॉक के लिए। इसमें आप शेडिंग देकर रेड टू पिंकी बॉर्डर भी बना सकते हैं। हाँ, आप इस पिस्ता सेल को पहले ही कलर करके भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा भी हो सकता है। मुझे ये इजी और कन्वीनियंट लगा कि पहले पिस्ता सेल लगा के ये करना थोड़ा फास्ट हो जाता है।
और इजी भी रहता है। देखो रेड कलर होके कंप्लीट सूख गया है अपना कलर भी, और फ्रॉक बनके बहुत अच्छे से रेडी है। अब इस फ्रॉक को भी हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। मैंने लिया है एक्रेलिक फेविक्रिल का ही जो ग्लिटर आती है, सिल्वर कलर की ली है मैंने, पाउडर फॉर्म में आती है, बहुत फाइन पाउडर होता है तो इजी रहेगा। सिंपली मैं अपनी उंगली पे लेके उसको टच करके सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ फ्रॉक को। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो ना नहीं कर सक ना करना है तो मत कीजिए। ओके, अब रेडी है अपनी लेडी बन के। इसको आप फ्रेम कर सकते हो और अच्छे से फ्रेम करके भी लगा सकते हो। और ये देखो, ये मैंने वुडन पे बनाया है लेडी को ड्रॉ करके, ये बैकग्राउंड करके उसके बाद मैंने उसके ऊपर ये काम किया है। बैकग्राउंड बनाना भी मैं सिखाऊंगी, ये मैंने सिंपल भी किया है, आप दोनों ट्राई कर सकते हो दोस्तों।